सालों से भी अगर आपका कोई सिल्वर ज्वेलरी इस तरह से गंदा होके पड़ा है तो सिर्फ 20 मिनट में आप उसको साफ़ कर सकते हैं उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए और वो भी आपके किचन से और सिर्फ 20 मिनट में आपके पायल या कोई भी सिल्वर ज्वेलरी इस तरह से नए हो जाएंगे हे एवरीवन दिस इज़ सुप्रिया एंड वेलकम टू माई चैनल देख रहे हैं मेरे पायल कितने गंदे हो चुके हैं मैंने इसको सिर्फ छः महीने पहना है और इसके डिजाइन के वजह से इसमें मैल जम गया है और ये सिल्वर भी थोड़ा डार्क सा हो गया है जिसके वजह से ये मुझे पहनने का मन भी नहीं करता था और मैंने इसको रख दिया था इसको मैं चेंज करने का सोच रही थी लेकिन कैसे मैंने इसको साफ़ कर लिया है आपने तो वीडियो में देख लिया है तो अगर आप भी आपका कोई ज्वेलरी चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वो गंदा हो गया है या सॉप पे जाके साफ़ कराना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए सबसे पहले मैं पानी गर्म कर रही हूँ देख रहे हैं पानी पूरा बॉयल हो रहा है पानी को पाँच छः मिनट पूरा फुल फ्लेम में बॉयल कीजिए उसके बाद उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए मैं एंकलेट को बॉयल करना प्रिफर नहीं करती इसीलिए मैं गर्म पानी ले रही हूँ उसमें मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं एक बड़ा स्पून में बेकिंग सोडा ले रही हूँ उसको पानी में डाल के आप अच्छे से मिला लीजिए मैं एक स्पून की मदद से उसको अच्छे से मिला रही हूँ जब ये पूरी तरह से पानी में मिल जाए उसमें आप डाल सकते हैं लिक्विड डिस वॉशर सर्फ शैम्पू वग़ैरह मुझे लगता है उसमें ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और ये क्योंकि ये यूटेंसिल्स पे यूज होता है तो ये इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा इसीलिए मैं यहाँ पे डिस यूज कर रही हूँ यहाँ पे मैंने डेटोल का डिश लिक्विड लिया है आप चाहे तो भीम का भी ले सकते हैं उसके बाद मैं अपने सिल्वर एंकलेट्स को इस गर्म पानी में डाल रही हूँ एक स्पून की मदद से मैं उसको इस तरह से आगे पीछे कर रही हूँ थोड़ी देर तक ऐसे कीजिए देखिए आप देख सकते हैं पानी का कलर कैसे चेंज हो रहा है थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं पानी का कलर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए इस तरह से गर्म पानी में छोड़ देंगे आफ्टर 20 मिनट्स जब मैं इसको निकाल रही हूँ आप देख सकते हैं पानी कितना मेला हो चुका है सारा जो गंदगी इसमें लगा था वो निकल के पानी में जा चुका है और पायल कैसे चमक रहा है पानी अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो आप इसको हाथ से भी पकड़ सकते हैं मैं हाथ से इसको थोड़ा इस तरह से रब कर रही हूँ ताकि इसमें और जो भी गंदगी है वो निकल जाए मेरे पायल के डिजाइन की वजह से आप देख सकते हैं अभी भी ये जो हार्ट शेप का डिज़ाइन बना है उसके अंदर कुछ मैल रह गया है तो मैं इसको ब्रश से साफ़ करूँगी मैं बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला एक ब्रश ले रही हूँ उससे बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे बिल्कुल मैं इसको ब्रश कर रही हूँ ब्रश करने के बाद आप देख सकते हैं पायल पूरा चमक रहा है बिल्कुल ग्लो कर रहा है इसको अब मैं अच्छे पानी से धो रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कैसे 20 मिनट में मेरा पायल नया बन गया ये देखिए फ्रेंड्स ये किस तरह से ग्लो कर रहा है बिल्कुल लग रहा है जैसे ये नया पायल है ये जो डार्क हो गया था इसमें जो मेल जमा था सारा कुछ निकल चुका है और ये बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है तो आप भी अपने सारे गंदे सिल्वर ज्वेलरी इस तरह से साफ कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे थैंक यू फॉर वाचिंग